और चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे ड्राइवर्स की हड़ताल की। हम बात करते हैं, आज दूसरा दिन है जारी हड़ताल और हिट एंड रन केस के नए कानून के विरोध में यह हड़ताल आगे भी जारी रहने की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी बस और ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। हड़ताल की वजह से दूसरी चीजों पर भी इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बसों के नहीं चलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। सब्जियों की आवक में दिक्कत होगी, दूध की आवक में दिक्कत होगी, रोजमर्रा के सामान की आवक में दिक्कत हो सकती है। अगर यूं ही ड्राइवर्स की हड़ताल चलती रही, बसों के पहिए थम चुके हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है, ट्रक भी नहीं चल रहे हैं जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर यूं ही हालात रहे तो बहुत जल्द पेट्रोल पंप भी सूख जाएंगे। एक और ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है तो दूसरी ओर सरकार ने भी कमर कस ली है। पेट्रोल डीजल की पूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल हो। पेट्रोल डीजल एलपीजी वाहनों के सुचारू संचालन के लिए पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हड़ताल ड्राइवर्स के द्वारा जारी है और कहीं ना कहीं ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हुई नज़र आएंगी। आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता नज़र आएगा। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, नए कानून को वापस लेने की मांग इनके द्वारा की जा रही है, पर सरकार भी इस पूरे मामले में एक्शन में दिख रही है, गंभीर दिख रही है और सभी तरह की व्यवस्थाएँ सरकार के द्वारा की जा रही हैं। हड़ताल का असर ऐसा खासा असर नहीं दिखेगा ये भी सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह की परेशानी आम लोगों को नहीं, पर साफ तौर से कहीं ना कहीं परेशानी होना शुरू हो चुकी है। यात्री तो परेशान हो ही रहे हैं और साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटी है, उस पर डायरेक्ट असर हमें देखने को मिलेगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे क्या कुछ हालात है हड़ताल को लेकर, सीधे रायपुर का रुख करेंगे। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई है। तनु, सरकार का मकसद है इस कानून से कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो सके, दुर्घटनाओं में लोगों की मौत जो होती है वो कम हो सके, लेकिन साथ ड्राइवर्स इस कानून को समझ नहीं पा रहे और यही वजह है कि पूरे देश में हड़ताल का माहौल देख रहे हैं हम। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक के ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने से आम जनता को जो है इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कई जिलों में ट्रक और बस के जो है पहिए थम गए हैं, तो कई जिलों पर जो है बस स्टैंड से ही गाड़ियां नहीं निकली है और कई जगहों पर ड्राइवरों ने हाईवे पर ही गाड़ी खड़ा करके जाम कर दिया है। वहीं इस बीच अगर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसके लिए इस पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है प्रभावित नहीं की जा सकती, अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है और कहीं अगर इसका सप्लाई प्रभावित होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिपो से निकलने वाली आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने पर जो ड्राइवर्स हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए खास इंतजाम भी किया गया है, इसके लिए राजस्व विभाग की जो है ड्यूटी लगाई गई है और सभी टोल नाकों पर एक जरूरी इंतजाम जो है वो किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है प्रभावित न हो इसके मॉनिटरिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टीम भी जो है बनाई गई है। वहीं ड्राइवर्स की हड़ताल जो है आज भी जारी रहेगी और कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों तक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पर ही रहेंगे, जिसका खासा असर आम जनता पर पड़ रहा है। जी ठीक, वाकई इसका खासा असर आम जनता पर ही पड़ेगा, यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह फैसला लेती है या सरकार इस पर